महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में मैं दिलाशा दहिवेलकर आपका स्वागत करती हूँ। भारत के विरोध के आगे आखिरकार चीन को झुकना ही पड़ा और उसने श्रीलंका में अपने सोलर प्लांट के निर्माण कार्य को रोक दिया। चीन ने भारतीय के पड़ोसी देश श्रीलंका में हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम परियोजना के निर्माण को रोक दिया है। श्रीलंकन मीडिया ने यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि सोलर प्लांट सिस्टम में 3 उत्तरी द्वीपों पर बनाया जाना था जो भारत के बेहद करीब है। इसका निर्माण चीनी कंपनी सिनो सोलर हाइब्रिड कर रही थी। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन महज 9 दिनों के अंदर 30 देशों में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ यह वेरिएंट अब भारत तक पहुंच चुका है। यही नहीं, इस वेरिएंट का फैलाव डेल्टा वेरिएंट से कई गुना ज्यादा है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से भारत में दूसरी लहर आई थी। यूपी के चुनावी घमासान में बसपा की धीमी चाल राजनीतिक समीकरण प्रभावित कर सकती है। मौजूदा समय में भाजपा, सपा और कांग्रेस के मुकाबले बसपा की तैयारियां काफी कम दिख रही है। ऐसे में विभिन्न दलों की कोशिश बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की है। बसपा की उभार व उसके साथ जुड़े स्वर्ण व पिछड़ा वर्ग समुदाय का भी बड़ा योगदान रहा है। भाजपा की राजनीति इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की है। संसद के शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में भले ही सरकार और विपक्ष में टकराव चल रहा हो, लेकिन लोकसभा पटरी पर लौट आई है। बुधवार को सदन में एक विधायक को मंजूरी दी गई और गुरुवार को भी विपक्ष की कोरोना पर लंबी चर्चा चली। इसी बीच शून्यकाल में नई परी पार्टी के रूप में सरकार ने सांसदों के मुद्दे पर जवाब भी दिए हैं। वर्ष 2019 के पहले की रिक्तियों में स्वर्ण को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होती है उसी समय का नियम लागू होता है। झारखंड में सहायक अभियंतियों के वर्ष 2015 से 18 तक की नियुक्ति में स्वर्ण आरक्षण का लाभ पाने के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह महत्वपूर्ण फैसला दिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आपको घर की जरूरतों का सामान लेना है तो सीधा आइए एस स्मार्ट सुपरमार्केट और पाइए ग्रोसरी का हर सामान एक ही छत के नीचे, वो भी वाजिब दामों में। तो आइए एस स्मार्ट सुपरमार्केट सुखले बंधु। हमारा पता प्लॉट नंबर 9 दत्तनगर विंध्यवासिनी लॉन के पास घोगली रोड बेसा नागपुर। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 8888876878। सोने चांदी के आभूषणों के लिए आइए एकमेव विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स में। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स लाया है दिवाली पर खास ऑफर्स। 10 ग्राम के सोने खरीदी पर पाइए 5 ग्राम का चांदी का सिक्का फ्री। संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी और लेटेस्ट ज्वेलरी डिजाइन्स मिलने का हिंगा का एकमेव ज्वेलरी शॉप। हमारे यहाँ पर ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट भी स्वीकार किए जाते हैं। बहुत ही जल्द अब नई शाखा जलाराम मंगलम में, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे। श्री धनलक्ष्मी ज्वेलर्स, पारधी नगर, हिंगा रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9423102449। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। शिवसेना ने कोरोना महामारी का लाभ उठाकर मरीजों से लाखों रुपए का बिल वसूलने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पार्टी का कहना है कि कोरोना प्रबंधन में प्रधानमंत्री सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया है, पर सरकार को निजी ठेकेदारों, एजेंसी और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर खराब वेंटिलेटर सप्लाई किए हैं।
वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में दहशत है। इसी बीच अमेरिका में भी ओमिक्रॉन के मामले में लगातार इजाफा हो रहा है। न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के 5 नए केस मिले हैं, जिससे अमेरिका में ओमिक्रॉन के कुल मामले संख्या 8 हो गई है। बता दें कि कोरोना वायरस से सबसे अधिक अमेरिका को ही तबाह किया था। ट्विटर ने गुरुवार को 6 देशों में सरकार प्रोपोगंडा को लेकर पोस्ट करने वाले लगभग 3,500 अकाउंट को बंद कर दिया है। इसमें अधिकांश चीन के हैं। ट्विटर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमने उन अकाउंट्स के नेटवर्क को हटा दिया जो झिंजियांग के उइगर आबादी के इलाज में संबंधित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नैरेटिव को बढ़ाता है। ट्विटर ने आगे कहा कि हम 2048 अकाउंट्स का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जारी कर रहे हैं। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का मामला कोई नई बात नहीं है। काम देने के बहाने कई बार स्ट्रगलर्स से तमाम तरह की डिमांड की जाती ही है। ऐसी ही एक मामला सामने आया है। एक अभिनेत्री ने मुंबई पुलिस से शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया है कि निर्माता के भाई ने उन्हें काम दिलाने के बदले गलत तरीके से यौन संबंध बनाने के बदले रोल देने की बात कही। अभिनेत्री की शिकायत के बाद पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता धारा 354 के तहत FIR दर्ज कर ली और युवक को गिरफ्तार कर लिया। निया शर्मा टीवी के टॉप अभिनेत्रियों में से एक है। इसी के साथ वह सोशल मीडिया पर अपनी बोल्डनेस की वजह से जानी जाती है। उन्होंने कई हिट सीरियल्स दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त निया के पास कोई काम नहीं है, यह उन्होंने खुद बताया है। वह आखिरी बार 2020 में टीवी पर नजर आई थी, तब से उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है। हालांकि बीच बीच में उनके म्यूजिक वीडियोज आते रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले सीरियल अभी निया के पास नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। ऐसे में टीवी से दूर रहने का फैसला उनका खुद का नहीं है, बल्कि उनकी मजबूरी है। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।